वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हरियाणा पुलिस से रिलेटेड ऑफिशियल डाटा के साथ हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फीमेल कांस्टेबल का फिजिकल कब होगा, फिजिकल की पूरी डिटेल, फिजिकल में किस किस प्रकार की प्रोसेसिंग की जाएगी, रिजल्ट कब आएगा और कितनी इसकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, और कितने नंबर वाले को यहाँ पे फिजिकल में बुलाया जाएगा। तो ये सभी डाटा साथियों इस एक ही वीडियो के अंदर हम डिटेल से आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। इस एक वीडियो को देखने के बाद हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं ये सभी डाउट इस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम वन बाय वन डिटेल से आपके साथ डाटा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, यह हम डाउट कह सकते हैं कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, टोटल पोस्ट आपकी 1100 रहेंगी, ठीक है, जिसमें जनरल के 396, एससी के 198, बीसी ए के 154 और बीसी बी के 88, इस प्रकार से सभी कैटेगरी की यहाँ पे वैकेंसी लिखी हुई है, ठीक है। यानी टोटल जो कंपटीशन आपका कितनी वैकेंसियों पे है, 1100 पे, ठीक है। अब 1100 पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, तो इसको भी ध्यान से समझिए। टोटल पोस्ट हमारी रहेंगे 1100, ठीक है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यानी पीएसटी के लिए कितने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं इसका 7 गुना, यानी 1100 का कितना गुना, 7। सिंपली कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे यहाँ पे फिजिकल के लिए, 7700 लगभग। इसके कितने गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 7 गुना कैंडिडेट को, इसका मतलब लगभग कितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, लगभग 7700 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे ध्यान से देखिए, अब इसको यहाँ पे समझिए, टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 7700 के लगभग, ठीक है। तो इस कटिंग को ध्यान से देखिए, एक पद पर 105 अभ्यर्थियों में मुकाबला है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं एक पोस्ट के लिए कितनी महिलाओं के बीच मुकाबला रहेगा, यानी कंपटीशन रहेगा, 105, ठीक है। और 45% उपस्थित रही, इसका मतलब 100 कैंडिडेट में से कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे परीक्षा दी है, 45, ठीक है। इसको यहाँ से समझिए, टोटल पद कितने थे आपके, 1100, जिसमें टोटल आवेदन कितने किए गए यहाँ पे, 258,000, ठीक है। परीक्षा कितने कैंडिडेट ने दी यहाँ पे, 116,000। इसका सिंपल सा मतलब है, टोटल पोस्ट आपके 1100 रहेंगी, जिसमें फॉर्म कितने अप्लाई किए, 258,000, जिनमें से परीक्षा कितने कैंडिडेट ने दी, 116,000, ठीक है। अब इन 116,000 में से कितने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, पीएसटी के लिए, यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, तो अभी हमने डिस्कस किया है ऊपर 7700, ठीक है। अब इन 7700 में से आपका जो भी फिजिकल है या आगे की जो भी प्रोसेसिंग है ये कंप्लीट होने के बाद कितने कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाएगा, 1100 को, ठीक है। आगे की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फाइनली कितने कैंडिडेट को यहाँ पे, 1100 कैंडिडेट को लिया जाएगा, ठीक है। अब ये किस प्रकार से लिया जाएगा, इससे आगे ध्यान से समझिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिजिकल में क्या क्या होगा, इसको यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी आपका ऑफिशियल डाटा है, ठीक है। फीमेल जो कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी से है, इनकी जो हाइट है कितने सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता रहेगी, किन के लिए, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं। जनरल कैटेगरी को छोड़कर अदर कैटेगरी जो भी है, बीसीए, एससी, बीसीबी, जितनी भी कैटेगरी है, इन सभी की कितनी हाइट, 156 सेंटीमीटर, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए हाइट रहेगी 158 सेंटीमीटर और अदर कैटेगरी के लिए रहेगी 156, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखिए, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है, यहाँ पे आपकी 1 किलोमीटर की रेस होगी, ठीक है, और कितने समय में, 6 मिनट के अंदर। रेस कितनी रहेगी आपकी, 1 किलोमीटर, और समय कितना रहेगा आपके पास, 6 मिनट। और आपकी जो ये रेस रहेगी ये आपकी आरएफआईडी के अनुसार होगी। आरएफआईडी का मीन रेडियो फ्रीक्वेंसी
आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, इसका मतलब है जो भी आपकी रेस होगी ये चिप के माध्यम से होगी, ठीक है। आपके पैरों के नज़दीक एक चिप लगाई जाएगी, उसके अंदर आपकी जो ये एक किलोमीटर की रेस है 6 मिनट के अंदर, इस चिप के अंदर आपका टाइम यहाँ पे नोट होगा, ठीक है। आपकी रेस कंप्लीट होने के बाद जो भी इसकी आगे की प्रोसेसिंग है, जैसे हाइट से रिलेटेड या जो भी प्रोसेसिंग है, ये इसकी कंप्लीट होगी, ठीक है। इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके ऑनलाइन चेक होंगी, ठीक है। ऑनलाइन इसकी डिटेल मांगी जाएगी, ये फिजिकल ग्राउंड में डॉक्यूमेंट्स जो है आपके चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये आपके ऑनलाइन ही फिजिकल की जो प्रक्रिया है ये कंप्लीट होने के बाद आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी ऑनलाइन रिपोर्ट देनी होगी, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंटों को यहाँ से समझिएगा, आपका रिजल्ट कब आने वाला है, फिजिकल कब तक हो सकता है, ये सभी डिटेल यहाँ पे दी गई है। आपके जो वर्तमान में अध्यक्ष है HSC के भोपाल सिंह खत्री ने स्पष्ट रूप से बताया, 26 सितंबर 2021 को सब इंस्पेक्टर पुरुष और महिला पद के लिए लिखित परीक्षा होगी जो आपकी कल होने वाली है, ठीक है। इसके बाद 29 सितंबर से पुलिस कमांडो के 542 दो के लिए जो रेस की प्रक्रिया है ये 28, 29, 30 सितंबर से शुरू होने वाली है। इसके एडमिट कार्ड भी कल से निकलने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद पुलिस महिला सिपाही के 1100 और सब इंस्पेक्टर पुरुष और महिला के पदों के 465 पदों के लिए दौड़ और फिजिकल मापतोल प्रक्रिया शुरू होगी, लगभग 20 दिन चलेगी। इसका सिंपल सा मतलब है प्यारे साथियों, ये जो 542 पद है पुलिस कमांडो, इनकी रेस कंप्लीट होने के बाद जो कि 29 सितंबर से शुरू है, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके लगभग 20 दिनों में इंस्पेक्टर पुरुष महिला इन दोनों का और आप सभी का महिला कांस्टेबल का फिजिकल की शुरुआत हो जाएगी। यानी ये मानिए टाइम आपके पास बहुत ही कम है, ठीक है। और आपका जो परिणाम है 15 नवंबर 2021 तक घोषित कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये है 15 नवंबर 2021 तक आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। यानी बहुत ही तेजी से कार्य होने वाला है, ये ध्यान से समझिए। कल ही आपने देखा होगा HCS का जो पेपर है वो 12 सितंबर को हुआ था, ठीक है, और 24 तारीख को इसका रिजल्ट भी आ चुका, यानी 12 × 24 लगभग 12 दिनों में इसका रिजल्ट आ चुका है। सबसे तेज यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, आपके पास अभी केवल लगभग 15 से 20 दिन ही बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसे आगे पॉइंट को ध्यान से देखिए, इसके बाद जो हमारा फाइनल पॉइंट बचता है, कट ऑफ कितनी रह सकती है या कितने नंबर वाले को फिजिकल में बुलाया जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। आपका जो एग्जाम था 18 और 19 का, 3 शिफ्टों में पेपर था, ठीक है। इसके जो ऑफिशियल आंसर किए ये आ चुके हैं, आपने अच्छे से मिलान भी कर लिया होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन चेक किए, HSC ने मान लीजिए कुछ अलग आंसर मान रखे हैं और आपने देखा जो आंसर बिल्कुल राइट है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन जरूर लगाना है, ठीक है। और जो लिंक है ये एक्टिवेट हो चुका है, HSC की वेबसाइट पर जाकर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो लिंक है 24 तारीख से एक्टिवेट हो चुका है और 26 तारीख तक रहेगा, ठीक है। मतलब 24, 25, 26 यानी 2 दिन हम कह सकते हैं, 24 की शाम को ये एक्टिवेट हुआ है तो 25 का पूरा दिन और कल 26 का पूरा दिन आपके पास है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन जरूर लगाना है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक नंबर भी अगर आपका इंक्रीज होता है तो आपको यहाँ पे काफी हद तक फायदा होने वाला है, ठीक है। अब कट ऑफ कितनी रह सकती है और कितने वाले को यहाँ पे फिजिकल में बुलाया जा सकते हैं, तो लगभग जिसके 50 नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, हमने नंबर की बात की है, ठीक है। किन की बात की है, नंबर, जिनके 50 नंबर है या 50 से ज्यादा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी यहाँ पे 101% करनी है, ठीक है। क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है, लगभग 20 दिन भी नहीं है, 1 किलोमीटर की रेस आपकी 6 मिनट में पूरी करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा उन फीमेल कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी ही शुरू नहीं की है। ये 1 किलोमीटर की रेस भी 6 मिनट में पूरी नहीं होगी, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने अभी से इसकी तैयारी नहीं की, ठीक है। ये जो 50 का स्कोर है ये हमने अपनी तरफ से एनालाइज किया है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस 2 नंबर भी हो सकते हैं, ये नहीं है जिनके 50 से कम है वे तैयारी ही नहीं करें, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आप
आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये केवल हमने एक अनुमान बताया है जिसके 50 या 50 से ज्यादा है। आप सभी को तो फिजिकल की तैयारी करनी ही करनी है, और जिन कैंडिडेट के 2 या 3 नंबर कम भी हैं, तो आपको भी अभी के लिए जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है आपको तैयारी जरूर करनी है, ठीक है। क्योंकि ये सब तो एचएससी के हाथ में है, रिजल्ट वाले दिन किसको क्या देगी ये एचएससी ही जानती है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को यहाँ पे कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितना भी आपके डाउट थे वे सभी क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो आगामी प्रक्रिया के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और आपके सपने साकार हो, इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है।